Okay. Good evening, welcome all of you all for our Thursday evening Zoom class. And we are in the midst of the ninth chapter. I'm discussing in the importance, the relevance of how God is. Bhagwan kya hai, Bhagwan kaise hai, aur Bhagwan ko kyun nahi mante hai. Hum log last time discuss kiya tha, fools deride me when I descend in the human form. They do not know my transcendent nature as the supreme lord of all that be. अभी इसी श्रृंखला को मैं आगे लेते हुए और लोग हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग दूसरा टॉपिक लेंगे. पहले म्यूट एवरीवन प्लीज. दोज हु आर दस बिविल्डर्ड आर अटैक्ट आर अट्रैक्टेड बाय डेमोनिक एंड एथिस्टिक व्यूज. इन दैट डिल्यूडेड कंडीशन देयर होप फॉर लिबरेशन, देयर फ्रूटेटिव एक्टिविटीज एंड देयर कल्चर knowledge are all defeated. जरा इस श्लोक को हम लोग थोड़ा विस्तार से समझेंगे. ये 9.12, दिस इज श्लोक नंबर 9.12. मोग आशा मोग कर्मणो मोगा ज्ञान विचेतसः राक्षसिम आसुरिम चैव प्रकृतिम मोहितम आश्रितः. सॉरी, प्रकृतिम मोहितम श्रितः. They are situated. Shritaha means situated. Ashritaha means those who take shelter of it. So, mog asha. So, unka asha. Kya cheez ki asha hai un logon ke andar jo Bhagwan ko mante nahi, unke andar kya asha hoti hai? Jo Bhagwan ko nahi mante, unke andar kya asha kya hoti hai? Bhagwan ko to dekhna hi nahi, Bhagwan hai hi nahi. Wo to bolte hain ki Bhagwan hai hi nahi. कि अगर है तो भी निराकार रूप में है, साकार रूप में है ही नहीं, तो इसको कैसे समझेंगे? आशा एज इन उनकी इच्छाएं क्या होती हैं, हाँ, इच्छाएं क्या होती है? गाड़ी बंगला मटेरियल थिंग्स उनको चाहिए होती हैं कि मिल जाए सब कुछ. और बेसिकली इट्स थिंग्स ऑफ ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति की वस्तु के पीछे ही वो भागते रहते हैं. मोग आशा, उसमें वो मोग, मोग मतलब कंफ्यूजन, मोग मतलब जो चीज को आप पूरी तरह से नहीं समझते हो वो मोग है. जो व्यक्ति ये सोच रहा है कि हाँ यही मेरा सब कुछ है, दिस इज माय ऑल इन ऑल, दिस इज व्हाट इज द एक्चुअल सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, दिस यही मेरा क्या बोलते हैं, खुशी का मेरा स्रोत है, जो सोचते ये बैठते हैं वो सबसे बड़ा मोग में है. मोग है, जरूरी है ना, नहीं कहता आशा होनी चाहिए, बट ऐसे मोह में नहीं होना चाहिए. जो मोह में रहता है, he is always चीजों में मोह रहती है, जो भगवान को या भगवान के साकार रूप को डिराइड करता है, जो मानता नहीं, उसके तीन मोह, तीन चीजों में मोह होता है. मोह आशा कर्मणो, मोह आशा मोह मोह कर्मणो मोह ज्ञान, उसका ज्ञान भी मोह में रहता है. क्यों? कई लोग आके एक बार, एक सच्ची घटना है. वंस वन साधु वाज ट्राइंग टू गिव भागवत सप्ताह एंड ही वाज गिविंग भागवत सप्ताह फॉर 8 days, 8 hours a day. ओके, 4 hours इन द मॉर्निंग, 4 hours इन द इवनिंग. सुबह 4 घंटा क्लास देता था, शाम को 4 घंटा क्लास देता था. तो उधर एक सो कॉल्ड सिद्ध पुरुष आ गए, तो वहां बैठ गए. बोला, अरे आपने इतना प्रवचन किया है, आपने भगवान को देखा क्या? ऐसा कोई प्रश्न पूछता है तो हम लोग क्या जवाब दें? अगर कोई मुझे पूछे या पूजा माता जी मुझे, अरे आप तो इतना प्रवचन देते हो, कभी भगवान को आपने देखा है क्या? बोला, आपने जो चीज को देखा नहीं है उस चीज के बारे में कैसे वर्णन कर रहे, है ना? दिस इज वॉट इज कॉल्ड एज मोग आशा मोग कर्मो मोग ज्ञान. ज्ञान भी उनका मोग में है. चलो, अगर हम लोग बोलते हैं नहीं नहीं प्रभु जी, हम लोग ने नहीं देखा है, वो साधु ने भी ऐसे बोला, नहीं मैंने तो नहीं देखा अभी तक, बट आशा है बहुत जल्द भगवान दिखेंगे हम. तो जैसे बोले भगवान, तो साधु बोला, और तो दूसरा व्यक्ति बोला, एक काम करो, कल सुबह सुबह आ जाओ, सुबह सुबह 5 बजे मेरे कुटिया में आ जाओ, मैं तुमको भगवान का दर्शन करा दूंगा, साक्षात दर्शन. अच्छा, ये भी जरा कंफ्यूज हो गया. हाँ, आते वक्त 50 रुपये लेके आना और एक गमछा लेके आना,
दैट्स द जनरल रूल ना, किसी को आप मिलने जाओ तो साधुओं में ऐसे होता है, कुछ दक्षिणा और एक गमछा, चद्दर बोलते हैं, एक्चुअली गमछा ही है। तो ठीक है, अगला दिन सुबह साधु निकल के गया उसके पास, उसके कुटिया में गया और चालू हो गया, ब्रह्मा निराकार, ब्रह्म भगवान ब्रह्म है, भगवत तो निराकार है, ये है वो है सब। ठीक है अभी मैं जाता हूँ, मुझे जल्दी जाना है, आप अगर कुछ आप मुझ पर कृपा करना चाहते तो कीजिए। तो बोला अच्छा ठीक है, अभी तुमको मैं भगवान दिखाता, साक्षात करा देता हूँ। चलो ठीक है, भगवान तो बात की बात है, तुमने आत्मा देखी है? आत्मा नहीं, अभी दिखा देता हूँ, तो आत्मा और परमात्मा दोनों एक साथ दिखा देता। काम करो, आंख बंद करो। तो उस व्यक्ति ने आंख बंद किया, बोला आप लोग भी करके देख सकते हो, इट्स वेरी सिंपल, हाँ नथिंग ग्रेट अबाउट इट, जस्ट क्लोज योर आईज एंड प्रेस दिस आई बॉल्स लिटिल, जस्ट प्रेस दिस आई बॉल्स लिटिल एंड जस्ट क्लोज योर आईज, फुल्ली क्लोज योर आईज एंड प्रेस प्रेस योर आई लिड्स, यू नो क्लोज योर आई लिड्स एंड जस्ट प्रेस द आई बॉल्स। दो बड़ी आंखें दिखती है अंदर, उसको कहते हैं भूत की आंख। ओके जस्ट ये बच्चे लोग, जब गांव में बच्चे छोटे रहते हैं तो दे प्ले जैसे भूत की आंखें, ठीक है दैट्स सेकेंडरी। तो दिख रहा है तुझे, दो आंखें दिख रही है? हाँ दिख रहा है, यही है भगवान की आंखें, परमात्मा की आंखें। शुक्रिया महाराज, आपने अच्छा ज्ञान दे दिया, ये लीजिए आप पकड़िए आपका 50 रुपया, मैं जाता हूँ, मैं निकलता हूँ। तो कहने का मतलब, ये ऐसे लोग ऐसे इसमें फंस जाते हैं, मोह ज्ञान, ये इसे ज्ञान लगता है ना। और एंड में क्या करते हैं लोग, हाँ सूर्य शक्ति के अंदर घुस जाते हैं। इसके लिए मायावाद, नो चैतन्य चरितामृत में लिखा हुआ, मायावाद भाष्य सुनी लो सर्वनाश। अगर आप मायावाद का भाषा सुनोगे तो आपका सर्वनाश हो जाएगा, कंप्लीट विल बी गोइंग टू डॉग्स। सो ब्रह्मवाद से मायावाद जाने को टाइम नहीं लगता। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रह्मवाद एंड मायावाद, कैन एनीवन टेल मी द डिफरेंस? मैंने काफी बार बोला हुआ है, इतना सन्नाटे क्यों हो गए है एकदम? सिंपल क्वेश्चन पूछा है मैंने, ब्रह्मवाद और मायावाद ये शब्द सुना है ना, मेरे मुंह से भी सुना है ना आप लोगों ने? नहीं सुना कभी? ब्रह्मवाद किसे कहते हैं, मायावाद किसे किसे कहते हैं? चलो प्रभु यस जी, प्रश्न। प्रभु जी जी बोलो प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, मैं भी ब्रह्मवाद यानी जो ब्रह्म को माने और मायावाद यानी जो संसार में संसार को माने। टू ब्लाइंड शॉट, टू ब्लाइंड शॉट, और कोई? इवन माइंड इज अ ब्लाइंड शॉट प्रभु जी, बट लेट मी ट्राई। प्रभु जी, मायावादी में वो होता है कि दे वांट टू मर्ज विद द लॉर्ड एंड बिकम वन, लेकिन ब्रह्मवादी में ऐसा कुछ नहीं होता है। दे जस्ट थिंक दैट द लॉर्ड इज अ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट, ऐसा कुछ है ब्रो जी? नहीं, कंफ्यूज्ड, समथिंग एल्स। यस सुजाता माता जी, आप बोल सकते, यस यस आप ही। आपको क्या लगता है ब्रह्मवाद और मायावाद किसे कहते हैं? हाँ अनविता प्रभु जी, जो ब्रह्म के ऊपर विश्वास रखते हैं और दूसरा जो माया पे वो, विश्वास हाँ मेरे मेरे को तो यही समझ आ रहा रखते। था। प्रभु अरे तन्विता माता जी किधर गई, अभी तो दूसरी बात गई। जी, मैं ट्राई करूं। हाँ कीजिए ना। मैंने मायावाद का सुना है, ब्रह्मवाद का मैंने पहली बार शब्द सुना। मायावाद का मुझे जो लगता है वो इसका आंसर हो सकता है कि जो भगवान, मतलब ऐसा समझता है कि हम भी एक दिन भगवान बन सकते हैं, वो मायावादी में बिल्कुल, आता है कि भगवान को अपने इक्वल्स में समझते हैं कि वही पूजा माता जी ने भी वही बोला ना कि वन हु मर्जेस विद गॉड, तो बोलते वो भगवान बन सकते हैं। हरे कृष्णा हाँ प्रभु जी। हरे कृष्णा, बोले माता जी। अब हरे कृष्ण किया, हाँ मुझे लगा प्रभु जी जवाब। बोलिए आप। हाँ बोलिए, जवाब तो दीजिए, नहीं प्रश्न जवाब दीजिए। अच्छा नहीं मैं थोड़ा बाहर थी ना, अभी आई इसके लिए। अच्छा स्वागत है आप। ओके चलो, यस तन्विता माता जी, आई वॉज वेटिंग फॉर यू ओनली। वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन मायावाद एंड ब्रह्मवाद?
जी ब्रह्मवाद फिलोसफी इज दैट यू नो दैट दे बिलीव दैट देयर इज अ लाइट एंड वी विल ऑल मर्ज इनटू दैट लाइट एंड देयर इज नो गॉड बट इट इज जस्ट द लाइट फिलोसफी एंड मायावाद इज दैट वी विल मर्ज इनटू वन वो मुक्ति जो दे बिलीव इनटू मुक्ति एंड दे इट्स ऑल लाइक वी डोंट हैव टू डू नो मच अबाउट नो इट इज नॉट सी प्लीज अंडरस्टैंड, सब लोग समझ लीजिए अच्छी तरह से, ब्रह्मवाद किसे कहते हैं, मायावाद किसे कहते हैं और साकारवाद किसे कहते हैं। और साकारवाद क्यों मायावाद और ब्रह्मवाद से बेहतर है या उससे हमको आसानी पड़ती है भक्ति करने में, पहला चीज तो ब्रह्मवाद। ब्रह्मवाद मतलब जैसे आप लोगों ने पर शॉर्ट पॉइंट शॉर्ट किया, गेस किया, जो भगवान को ज्योति के स्वरूप में देखता है वो है ब्रह्मवाद। ज्योति लाइट जिसका कोई आकार नहीं, बट उससे एक नहीं चार कदम आगे निकल जाते हैं मायावाद। वो ये कहते हैं कि मैं भी नारायण तू भी नारायण, मतलब मैं भी ब्रह्म तू भी ब्रह्म, और अब जो धरती पे आया है ना हम, माया के अधीन होने की वजह से हम, हमारा असली स्वरूप ढक गया है। जिस दिन हम हमारे माया से बाहर निकल जाएंगे, विल कम आउट ऑफ दिस इल्यूजन, दिस सो कॉल्ड माया का जो आवरण हमारे ऊपर है, जैसे ही वो हट जाएगा, वी विल बिकम वन विद गॉड, और मींस वी विल बिकम नारायण। हम भी नारायण बन जाएंगे, आप भी नारायण बन जाओगे। इसमें दोहत बहुत अंतर है, प्लीज आप लोग जरा ध्यान से सुनना। ब्रह्मवाद क्या कहते हैं, हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, मगर ये नहीं कहते कि हम ब्रह्म बन जाएंगे, हम भगवान बन जाएंगे, ये नहीं कहते हैं। मगर मायावाद क्या कहता है कि हम स्वयं भगवान बन जाएं। और साकार स्वरूप वाले क्या कहते हैं, आत्मा क्या है, भगवान का अंश है, मतलब एक आग के गोले में से, या एक समझो एक लकड़ा जल रहा है, बड़ा लकड़ा जल रहा है, अभी होली आने वाली है तो होली में लकड़ा जलेगा, तो कभी वो लकड़ा फूटता है, मतलब ठप ठप करके फूटता है और उसमें से चिंगारियां निकलती है। वो चिंगारी जो है उसमें से जो निकलती है वो भी कभी कभी उसके अंदर भी आग की लपटें होती है, और वो भी कहीं हाथ पे अगर गिर जाए तो जला देता है या नहीं, तो वो भी आग ही है। उसी तरह हम भी भगवान के अंश हैं, तो हमारे अंदर भी वो सारे गुण हैं, मतलब हम मतलब अगर हम अपने आप को, शरीर को हम अपने आप को समझ रहे हैं तो हम बेवकूफ हैं। हमारी आत्मा, अवर सोल हैज गॉट आइडेंटिकल क्वालिटीज ऑफ व्हाट दैट इज देयर इन द लॉर्ड। हमारे आत्मा में जितने जो तत्व हैं वही तत्व से भगवान भी बने हैं, क्योंकि हम, हमारा आत्मा क्या है, भगवान का एक अंश है। तो वाकई में हम भगवान के अंश हैं, इसके लिए हमारे अंदर सारे गुण हैं, मगर हम कभी भी भगवान नहीं बन सकते हैं। जैसे कहते हैं ना, अक्सर हम कहते हैं कि मानो फलाना फलाने का लड़का एकदम अपने पिता जैसा दिखता है, उसके जैसे चाल ढाल, चेहरा, नाक, नक्शा, सब उसके जैसा, और शायद काम भी उसके पिताजी के जैसे, धंधे में करे, बिजनेस करे, जो भी करे, मगर इसका मतलब वो बाप बन गए? बाप का बाप कभी नहीं बन सकता, बाप बाप ही रहेगा, बेटा हमेशा बेटा ही रहेगा। उसी तरह भगवान हमेशा भगवान ही रहेंगे, हम भगवान के अंश जरूर रहेंगे, क्योंकि हम में और भगवान में कुछ चीजों का अंतर है। वो क्रिएट कर सकते हैं और चीजों को विस्तार कर सकते हैं, हम वो चीज नहीं कर सकते। जैसे भगवान ने पूरा सृष्टि का निर्माण किया, क्या हम कर सकते हैं? हम कभी नहीं कर सकेंगे। भगले हमारा असली स्वरूप क्यों ना आ जाए, हम भगवान के पास चले जाएंगे, पर जो भगवान कर सकते हैं हम नहीं कर सकते। पालन कर सकते हैं पूरा दुनिया का, ब्रह्मांड का पालन करते हैं, ब्रह्मांडों का पालन करते हैं, क्या हम कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते। सो वी हैव गॉट लिमिटेशन। इसके लिए हमें क्या कहा गया है, हम अणु हैं और भगवान क्या है, विभू है। विभू मीन्स ही इज अनलिमिटेड। इसके लिए भगवान भी अनंत, उनकी कथा भी अनंत, उनके नाम भी अनंत, उनके सारे, उनका नाम में भी वही प्रभाव है जो उनके गुण, क्या कहते हैं, उनके साक्षात दर्शन में है, उनके प्रसाद में भी वही गुण है जो भगवान के अंदर है।
इसके लिए भगवान में और हम में अंतर ये रहेगा, क्या वो हमेशा भगवान रहेंगे और हम हमेशा भगवान के अंश या भगवान दास रहेंगे। सो लेट्स रिपीट द डिफरेंस। ब्रह्मवाद मीन्स जो भगवान को निर्गुण मानते हैं या निराकार मानते हैं, और एक हद तक गलत भी नहीं है वो, मगर पूरा सत्य भी नहीं। गलत क्यों नहीं? वाई इट इज नॉट रॉन्ग? इसका मतलब क्या मैं भगवान को ब्राह्मण स्वरूप में ही मानूं? कैसे आप समझेंगे इस चीज को? बिकॉज प्रभु जी दे आर वन स्टेप बिहाइंड, लाइक बिकॉज द लाइट दैट इज इल्यूमिनेटिंग फ्रॉम द लॉर्ड वो वहां तक ही पहुंचे, तो वो समझ रहे कि भगवान बस यही है जो है. नो, इट इज एक्चुअली वन स्टेप अहेड। सी व्हाट इज द भगवद गीता सेइंग? जो ब्राह्मण हस्ते ब्राह्मण हस्ते ने गवे गवे सोची सो, सो पाके ने, तो व्हाट डज इट मीन? जो ब्राह्मण में, हाथी में और एक कुत्ते में भी एक ही आत्मा को देख सकता है, वो सही ज्ञानी है। मतलब क्या है? आपको सब चीज में भगवान को देखना है, मगर हमारी आंखें वो ऐसे ट्रेंड नहीं है, वो गलत नहीं है। हर स्वरूप, अगर ये धरती है, ब्रह्मांड खड़ा है तो उसकी वजह से खड़ा है। अगर एक पेड़ उग रहा है, बड़ा सा बढ़िया आम आपके हाथ में आ गया है, मीठा आम खा रहे हो, अरे उसके अंदर मिठास डाला किसने? डॉक्टर आके बोलते हैं प्लीज यू डोंट ईट स्वीट, यू गॉट डायबिटीज। मगर स्वीट डाला किसने? मट्टी में शक्कर डाला किसी ने? हाँ, मट्टी में जाके शक्कर डाला, या समझो कोई सावर, आपने ऑरेंज ले लिया, आपने संतरा ले लिया, तो मट्टी में जाके किसी ने खटास डाली क्या? कोई नहीं डालता। उसी मट्टी में कभी आम हो गए, तो कभी संतरा हो गए, तो कभी करेला हो गए, कड़वाट डाला किसी ने, अपने आप हो गए। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि भगवान कुछ करता नहीं है, सब कुछ करने वाला, सब कारण का, दैट इज व्हाई लॉर्ड इज कॉल्ड एज सर्व कारण कारणम। अगर कोई चीज का कारण है, वो कारण सिर्फ और सिर्फ भगवान है, और सभी कारणों का कारण वही। जैसे मेरा लैपटॉप आज काम नहीं कर, उसके पीछे भी कारण कौन है? भगवान। ही इज अ कारण कारण। व्हाई ही इज अ कारण कारण? देयर इज अ रीजन। उसके सिवा और कोई व्यक्ति नहीं है इस दुनिया में जो इस कार्य को कर सके, या कोई भी कार्य को कर सके, इस नहीं, कोई कार्य को कर सके। ना आई ऑलवेज गिव दिस जोक। हाँ, अगर भगवान को धरती बनाना है तो मट्टी कहाँ से लाएंगे? कहाँ से फोन करके 100 ट्रक मट्टी भेज देना धरती बनाना है, और थोड़ा 10 टैंकर पानी भेज दो समुंदर बनाना है। चलो ठीक है, पानी भी मंगा लिया फोन करके, नमक कहाँ से मंगाएंगे? नमक कहाँ से मंगाएंगे? और नमक मंगाने के बाद उसमें खारे पानी वाली मछली और मीठे पानी वाली मछली अलग होती है, आपको अगर अगर पढ़ा हो तो, याद हो तो। हाउ डू यू थिंक होल क्रिएशन कैन टेक प्लेस? So everything which is happening, you yourself are a great wonder of God. आप खुद अपने आप को देखिए, आप खुद एक भगवान का एक चमत्कारी हो। Just imagine, एक छोटा सा, हम कहते हैं what is this all science? Science क्या है? आंख की पुतलियां भी एक चमड़ी है, कान कान भी एक चमड़े का ही हिस्सा है, नाक भी चमड़े का हिस्सा है, जीभा भी चमड़े का हिस्सा है, और अलग अलग कार्य करता है। जब जीवा में आप शक्कर डालो तो मिठास मालूम पड़ता है, पूरे शरीर में, आंख में उठा के 1 किलो शक्कर डालो आपको मिठास मिलेगा, कान में डालोगे तो मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। पर कहाँ मिलता है आपको? जीवा में मिलेगा। उसी तरह आपने मधुर गाना मुंह में डाल के, किसी का मुंह खोल के आपने स्पीकर लगा के गाना सुना है, तो सुनेगा उसको? नहीं। तो है, एक ही चमड़े से बना हुआ शरीर है, बट चमड़ा भी जैसे वो जगह उस स्थान पे जाता है कार्य करने लगता है। जस्ट इमेजिन, एक डेड स्किन सो टू से, एक नो एक 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 जो चमड़ा जो सिर्फ आपको सेंसेशन दे सकता है, उसमें से आप देखने लगते हो चीजों, रंगों को देख सकते हो, चीजों को देख सकते हो, उसमें आकलन लगा सकते हो, ये कितना दूर रहेगा, 100 मीटर दूर है, 1 किलोमीटर दूर है, वो भी आपको पता चलता है सिर्फ एक आंख में से। हाउ इज पॉसिबल? सिर्फ और सिर्फ भगवान की कृपा से ही ये सब पॉसिबल। सो आई डू नॉट
डिराइड ब्रह्मवाद, बट यस ब्रह्मवाद है, तो इसका मतलब ये नहीं कि साकारवाद नहीं है। जैसे कि हमेशा भगवान आते हैं तो ब्राह्मण स्वरूप में आते हैं, जब कोई भक्त भगवान को याद करता है स्वरूप में आते हैं, साकार स्वरूप में आते हैं। जैसे गजेंद्र ने बुलाया तो साकार स्वरूप में आए, मगर जब द्रौपदी ने बुलाया कौन से साकार स्वरूप में आए? डिड ही कम इन साकार स्वरूप? नो, ही केम इन द फॉर्म ऑफ अ सारी। कहीं भी मेंशन नहीं है ना कि वो भगवान स्वयं आए, और अपने वो सब पिक्चरों में दिखा देते हैं सीरियल में, हाथ के भगवान के हाथ से सारी निकल रहा है एंड ऑल दैट, बट रियल फॉर्म में आए भगवान, पर ये गजेंद्र बोला है तब आए। सो लॉर्ड दैट इज वाई वी से इन द वी से इन द भगवद गीता वी रिसाइट द श्लोक ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। वदन्ति तत् तत्त्वविदस् वदन्ति तत्त्वतोदस तत्त्वं यद्ज्ञानं अद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो वी क्लियरली सी दिस श्लोक। तो इसका मतलब क्या? भगवान ब्रह्मन् परमात्मा और रियल ब्रह्मन् स्वरूप में भी है, परमात्मा स्वरूप में भी है, और भगवान स्वरूप में भी है। तो आप कोई भी स्वरूप को नकार नहीं सकते, मगर जो व्यक्ति ऐसे विचारों के अंदर जाएगा वो आश्रम शक्ति के नीचे जाने के वजह से, उसके अधीन जाने के वजह से, उसके दिमाग में ये सब इस तरह के कंफ्यूजन क्रिएट हो, इसके अंदर कंफ्यूजन क्रिएट हो। और कभी भी याद रखना, हम माया के अधीन आते कब हैं? कई लोग जैसे मायावादी बोलते हैं हम माया के अधीन आ गए, या वी आर अंडर माया। तो जिस दिन ये माया का कवरिंग चला जाएगा हम नारायण बन जाएंगे, मैं भी नारायण तू भी नारायण हम सब नारायण। यहाँ पे सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, माया कभी भी अपना जबरदस्ती नहीं करता है, हम उसको अपने अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं, क्योंकि हम उन इंद्रिय तृप्ति की वस्तुओं के ऊपर हमको ज्यादा फोकस है, हमको ज्यादा उस चीजों को करने की इच्छा है। इसके लिए तो भगवान ने माया बनाया है, अगर माया नहीं बना तो इस संसार चले कैसे? लोग अक्सर बोलते हैं प्रभु जी माया खराब है, माया खराब है। अरे माया नहीं है तो अगर आपके अंदर आपके बच्चे के प्रति माया ना हो, माया है तभी तो प्रेम है, प्रेम है तभी तो आप उसके लिए खाना बनाते हो, समझो माया हट जाए। माँ बच्चा रो रहा है खाना दो खाना दो, पर माँ बोलेगी अरे तू एक आत्मा मैं एक आत्मा, तेरे लिए मैं क्यों मेहनत बनाऊ, खाना बनाओ रोटी क्यों बनाओ? अरे इट इज नॉट पॉसिबल दैट माया हैज टू बी देयर, नहीं तो ये संसार चल ही नहीं पाएगा, ये संसार चल ही नहीं पाएगा। इसके लिए माया का जरूरी है। इसलिए भगवान अगर कोई भी चीज बनाते हैं ना, भगवान बेकार में नहीं बनाते, और कुछ चीजें हैं ना तो माया का अधीन होते ही आपको वो सब काम कर, तभी काम होगा। अभी जैसा कोई व्यक्ति पूरी जिंदगी उसने काट ली मजा लेते लेते, जीवन का मजा लेते, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से एक शराबी, जीवन भर खुशी में भी शराब पिया, गम में भी शराब पिया, कुछ नहीं है तभी भी शराब पिया, दोस्तों को मिलने गया तभी भी शराब पिया। आई डोंट अंडरस्टैंड, एक ही दवा हर चीज के लिए कैसे हो सकती है? हर चीज के लिए आप एक ही दवा कैसे लगा सकते, हर बीमारी के लिए? अरे रे मैं दुखी हूँ तो भी होगी, सुखी हूँ तो कुछ भी नहीं है तो भी हूँ, अच्छा टेंशन में हूँ तो भी वही दवा है, हर चीज में वही दवा, ऐसे ये कोई दवा थोड़ी हुआ है तो जहर हो। चलो एक व्यक्ति पी रहा है एंजॉय कर रहा है, वो कब पी सकता है? जब वो ज्ञान में, उसको पता है शराब पीने बुरी बात है, सिगरेट पीना बुरी बात है, फिर भी वो पीता क्यों है? क्योंकि उसको इस ज्ञान का अभाव है, ज्ञान है मगर फिर भी माया के अंदर आश्रित होके हुए वो कार्य कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता। तो दिस इज वाई लॉर्ड सेज मोग आशा मोग कर्मणो मोग ज्ञान विचेतसः। पूरा कंफ्यूजन, पूरा वो व्यक्ति है ना पूरा कंफ्यूज रहता है। कोई व्यक्ति बोलते हैं नहीं नहीं प्रभु जी हमको कर्म करना चाहिए, कर्म, अच्छा कर्म करो,
कर्मयोग का पूरा सिद्धांत क्या है, वन लाइन सिद्धांत क्या है, ये गीता सार में लिखा है वो सिद्धांत नहीं है, कर्म करो और फल की चिंता मत करो, ये बिल्कुल कहीं भी लिखा नहीं है भगवद गीता में। इतना साल से मैं सिखा रहा हूँ, पढ़ भी रहा हूँ, मैं पढ़ ज्यादा रहा हूँ सिखा कम रहा हूँ, पर अभी तक मुझे कहीं ये पता नहीं चला, कर्म करो फल की चिंता मत करो। तो व्हाट इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कर्मयोग? प्रभु जी, मैं भी कर्म करके भगवान को सौंप दूँ, लाइक जो कर्म भी करूँ भगवान के लिए करूँ सौंप, या अभी मैंने आपका खून किया और भगवान को बोलते भगवान ये कर्म आपको सौंप दिया। प्रभु जी, कहने का मतलब साइमल्टेनियसली कर्म भी करो और भक्ति भी करो, ड्यूटी मतलब अभी अच्छे आप कर्म। अभी सौंपने का नहीं है, अभी अभी अपनी जेब में रखने का। गेट मोर क्लियर प्रभु। हम लोग ज्यादा करके है ना लिप टॉक करते हैं बिना समझे, ऊपरा ऊपरी समझ के हम लोग कूदने लगते। यस, कोई और? अच्छा ट्राई किया, वेरी नाइस, यू ट्राइड, बट योर अंडरस्टैंडिंग हैज टू बी मोर क्लियर। आपको और इस चीज को विस्तार से समझना चाहिए, इसके लिए आप क्लास में आना चाहिए। आप आते नहीं हो, बड़े आराम से जूम में बैठे हो, लिमिटेड एक्सेस लिमिटेड नॉलेज, रिमेम्बर दैट। प्रभु जी, वो कर्म मीमांसा फिलोसफी में तो वो था ना कि अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा होगा, अगर बुरे करोगे तो बुरा होगा, इसमें भगवान की कोई रोल ही नहीं है, हाँ इसलिए वेरी कर्म गुड, मीमांसा फिलोसफी में वो और है कि यू डोंट नीड वेरी लव। पूरा इसको और विस्तार करो, वेरी नाइस, व्हाट यू सेड इज राइट, जस्ट एक्सपेंड दिस। कि भगवान की जरूरत नहीं है अगर, या पूजने की या भक्ति करने की, भगवान है या नहीं है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो उसका आउटकम अच्छा ही होगा, अगर हम बुरे करेंगे तो उसका बुरा ही होगा। मतलब बेसिकली कर्म का ये बट अगेन इसमें एक ही तकलीफ है ना, कर्म मीमांसा में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, ये तय कौन करेगा कि कर्म सही है या गलत? कुछ जिहादी लोग बोलते हैं नहीं, हम तो उड़ा देंगे मंदिर को, उड़ा देंगे लोगों को, उड़ा देंगे प्लेन को, उड़ा देंगे, और वो सही है, हमारे धर्म में लिखा है। यही तो तकलीफ है, मोग आशा मोग कर्मणो मोग ज्ञान विचेत सह, सब मोग में है। तो वहां पे भी आपको पॉइंट ऑफ रेफरेंस वेदास लेना पड़ेगा ना, वेदों से आपको पता चलता है कि कौन सा कर्म सही है और कौन सा कर्म गलत है। जैसे सबसे आम आदमी के लिए जनरल बात, झूठ बोलना सही है, झूठ बोलना सही है कि गलत है? अरे एक गलत है प्रभु जी, गलत है, गलत है, सब लोग मानते हैं गलत है कि नहीं? ठीक प्रभु है, जी हाँ कुछ केसेस में सही भी है। अच्छा, क्या कौन से केस में सही नहीं है माता जी? अभी हो सकता है कि मेरी इंफॉर्मेशन लाइक प्रॉपरली गलत है, पर मैंने सुना है कि 3 केसेस में झूठ बोल सकते हैं, व्यापार में, किसी को, बाकी किसी धर्म के काम में शायद। हाँ जी, प्राण संकट में हो तभी झूठ बोल सकते हो, तभी आप एक झूठ का सहारा ले सकते हो, व्यापार में झूठ का सहारा ले सकते हो, गाय का जान, अगर गाय खतरे में है तो आप झूठ बोल सकते हो, है ये सब आप हर्ड दिस। आई हैव ऑलरेडी मेंशन दिस श्लोक आल्सो वंस, आई हैव जस्ट स्किप्ड ऑफ माय माइंड। वृत्ति अर्थ है, वृत्ति अर्थ है मतलब जो धंधा पैसा बढ़ाने के लिए झूठ बोलना, वो उधर जस्टिफाइड, वृत्ति अर्थ है, प्राण संकट है, देन गोरक्षम, देन देयर इज और थ्री मोर, टू मोर रीजंस, टोटल 5 रीजंस आर दैट, चार पांच जगह हैं। हाँ टू सेव अ मैरिज, ऐसा कुछ है ना, शादी करने के लिए ऐसा कुछ था। शादी के वक्त भी आप किसी का हाँ शादी बचता है, किसी का शादी, प्राण बचता है, तो इनफैक्ट शास्त्र ये भी कहता है 100 झूठ बोल के एक शादी करो, 100 झूठ बोल के एक शादी करो, करो नहीं कराओ, करो नहीं वो तो कर रहे हैं लोग करवाओ, मतलब इन उन जमाने में लोग शादी करवाते थे लोग, आजकल लोग शादी कर लेते हैं, तो दैट्स अ डिफरेंस, बट नेवरदलेस प्लीज अंडरस्टैंड दैट कहीं ना कहीं जाके ये जो झूठ बोलना है अगर गलत है, तो कृष्ण भगवान ने इतना झूठ बोला महाभारत,
और ये पांचों कारण से ज्यादा एक बड़ा कारण था, कौन सा कारण था? धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म को स्थापना करने के लिए उन्होंने ये सब कार्य किया। कितने झूठ बोले, स्टार्टिंग से एंड तक झूठ। भक्तों को खुशी देने के लिए झूठ बोला उन्होंने, मैंने तेरा माखन खाया ही नहीं, उनके घर पे माखन जाके चुरा के फिर भी बोलते थे मैंने कभी माखन खाया ही नहीं। तो प्लीज अंडरस्टैंड दैट सब सिद्धांत अपने अपने जगह पे सही है, और सबके लिए आपको कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस लेना पड़ता है, और वो रेफरेंस है आपका शास्त्र। शास्त्र से ही आपको ज्ञान मिलता है कि आप मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और उससे बड़ी चीज समझो, कल निखर माता जी मार्केट से एक तबला लेके आई, उनको तबला बजाने का मूड आ गया, तो या सितार लेके आई या गिटार लेके आए और बजाना है, तो बजाते वक्त कैसे बजाओगे आप? सीधा उसको लगा के ढंग ढूंग बजाने लगोगे या क्या करोगे? उसको सिर्फ सुर मिलाओगे ना, और सुर सुर कैसे मिलाओगे? थोड़ा उसको नॉब टाइट करना पड़ता है, गिटार का जो जो कॉर्ड रहता है ना, जो वायर रहता है उसको टाइट करना पड़ता है। तबला को थोड़ा टोकम पिटी करना पड़ता है, कभी कड़क करना पड़ता है, कभी ढिलाई करना पड़ता है। तो इससे क्या पता चलता है हमको कि बाजार से वो इंस्ट्रूमेंट लाने मात्र से आपको उसका बजाने का ज्ञान नहीं मिलता है, मतलब आप ऐसे बजा नहीं सकते हो। उसको किसी गुरु के नीचे रख भी, मतलब गुरु के साथ समझ के सीख के, और गुरु क्या करता है कभी कभी उसको ठोकम पिटी करता है, ठोकम पिटी करता है, लोग बोलेंगे हाय हाय तू तो हथौड़ा मार रहा है। अरे तबले पे हथौड़ा मारेगा तभी वो टाइट होगा, मगर कैसे मारेगा? हल्के से, जितना वो झटका खा सके उतना ही झटके से मारे। उसी तरह है इंसान इस धरती पे आने मात्र से उसको भक्ति नहीं आएगी या जीने का तरीका नहीं आएगा, उसको एक गुरु और शास्त्र के नीचे उसको थोड़ा ठोकना पड़ता है, पीटना पड़ता है, तब वो व्यक्ति सुर में आएगा, नहीं तो सुर में नहीं आएगा, और ना ही इतना कान मरोड़ेगा उसका उस गिटार का कि तारी टूट जाए, या इतना जोर से मारे कि तबलाई फूट जाए। सो वन हैज टू अंडरस्टैंड दैट इट इज इट 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 हैज अ लॉट ऑफ इनडेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ वन हैज टू फोकस टुवर्ड्स गॉड, भगवान की तरफ कैसे अपना रुख मोड़ना है। तो ये सब रोड़े हैं, ये जो भगवान को निराकार स्वरूप में समझना ही सबसे बड़ा रोड़ा है, और वहां उस रोड़े से आपको बचाने के लिए भगवान ने भगवद गीता में ये सब चीजें कही कि भाई आप ऐसे निराकार स्वरूप के पीछे मत भागो, नहीं भाग पाओ, नहीं पकड़ पाओ। भगवान साकार स्वरूप में भी हैं, मैं हमेशा एक एग्जाम्पल देता हूं, जैसे प्रधानमंत्री अपने घर में हैं, मगर आपको वहां कितने लोगों ने सच्ची में साक्षात स्वरूप में मोदी को देखा है? साक्षात कोई नहीं, ठीक है, हालांकि इतना घूमते रहते हैं फिर भी उनको कोई नहीं दिखा, एटलीस्ट इस क्लास वालों में से कोई नहीं दिखा। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक है आप लोगों ने नहीं देखा, तो वो अगर समझो फोटोग्राफी या आजकल का जो अखबार है मीडिया है, एक 100 साल पहले आप अगर चले जाते तो फिर आपको कैसे पता चलता कि प्रधानमंत्री कोई फलाना फलाना व्यक्ति है, उसको कैसे पता चलता? बठाना, प्रजा ने कभी राजा को देखा नहीं, कई बार राजा भेष बदल के प्रजा के बीच में घूमता रहता था, आपने सुनी होगी कहानियों में, है ना, प्रजा राजा अपना भेष बदल के प्रजा के बीच में घूम रहा है, मतलब प्रजा ने देखा नहीं, इसके लिए उसको पहचान नहीं पा रहे हैं, तो बोलते हैं हाँ अरे कुछ भी गलत बोलेंगे तो राजा का आदमी आके हमको दंडित करेगा, हालांकि राजा सामने खड़ा है, फिर भी वो लोग डरते हैं कि राजा के आदमी से डरते हैं, मगर राजा से नहीं डरते, मतलब राजा का प्रभाव भी है और राजा स्वयं भी है। उसी तरह भगवान का प्रभाव सब जगह है, कर्म तो एक प्रभाव है उनका, इसके लिए हम बोलते हैं ना अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा होगा, बुरे कर्म करेंगे तो बुरा होगा, वहां पे भगवान किधर है? और वो दंड देने वाला कौन है? भगवान ने एक सिस्टम बनाया है, एक लॉ बनाया है, एक कानून बनाई है, उस कानून के तहत आप दंडित होंगे।
Are you able to understand this? Very important. Many people just don't understand that God in the निराकार स्वरूप. Yes, निराकार स्वरूप में है भगवान, कई जगह पे है भगवान. मैं हमेशा एग्जाम्पल देता हूँ, जब नोटबंदी हुई थी, क्या प्रधानमंत्री हर एक व्यक्ति के घर पे आके बोले ने, मोदी जी आके बोले आपका 1,000 का नोट खराब हुआ, आज से बंद हो गया है, 2,000 का नोट बंद हो गया, मुझे दे दो. नहीं, उन्होंने सिर्फ एक बार बोल दिया, पूरा देश में न्यूज फैल गया और सब लोग, सब पूरी प्रक्रिया, पूरा उनका जो सिस्टम था, उनका इंस्ट्रूमेंट्स जो थे, उनकी मशीनरी जो थी, पूरी काम पे लग गई. सारे बैंकों में, देश भर के सारी बैंकों में नोट बटने लगे. तो हाउ डू वी अंडरस्टैंड दिस भाई? लॉर्ड इज साकार, बट इन द निराकार स्वरूप वो सब जगह है, सब जगह है. जैसे आजकल तो सीसीटीवी कैमरा आ गए, पर सीसीटीवी कैमरा आने के वो तो सिर्फ एक सबूत का साधन हुआ, इट्स अ प्रूफ. बट जब सिग्नल में खड़े हो, लाल बत्ती है, सबको पता है, और मैंने लाल बत्ती छोड़ के तोड़ के आगे गया, तो मुझे इसका दंड भरना पड़ेगा, है कि नहीं? वहां पे कोई आरटीओ वाला खड़ा है, कोई हवलदार खड़ा है, कोई ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर खड़े हैं, कोई नहीं खड़ा, बट उनका निराकार स्वरूप में सब वहां पे प्रस्तुत हैं. उसी तरह है. तो प्लीज अंडरस्टैंड, वन शुड नेवर से दैट नो, निराकार स्वरूप है, बट उसी को सर्वोत्तम मानना या सब कुछ मानना गलत है. इसके लिए सबसे बड़ा बढ़िया बात क्या है? भगवान को साकार स्वरूप में मानो, तो ही आप सेवा कर सकोगे. अब भोग किसको लगाओगे? लाइट को, लाइट को भोग लगाओगे, लाइट को नहलाओगे, लाइट को आप कपड़े पहनाओगे, किसको करोगे? इट्स नॉट पॉसिबल. सो वी हैव साकार स्वरूप, एंड लॉर्ड इज साकार. कई कितने बार भगवान का वर्णन हुआ है शास्त्रों में, भागवतम में, कि भगवान पीताम्बरी पहनते हैं, चतुर्भुज रूप में हैं, उनका वक्षस्थल में लक्ष्मी जी स्थित हैं, सो मेनी, उनका केयूर कुंडलम है, कानों में बाली पहनते हैं, ऊपर मुकुट पहनते हैं, शंख चक्र गदा पद्म हाथ में धारण किए हुए हैं, ये सब वर्णन है ना भगवान का. फिर भी संशय क्यों? ये कब आता है? मोग आशा, मोग कर्मणो, मोग ज्ञान विचेतसः, इसकी वजह से गड़बड़ हो रहा है. और भगवान अगले श्लोक में 9.13 में क्या कहते हैं? महात्मनास्तु माम पार्थ देवीं प्रकृतम आश्रितः भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्. ओ सन ऑफ पार्थ, दोज हु आर नॉट डेल्यूडेड द ग्रेट सोल्स आर अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द डिवाइन नेचर, दे आर फुल्ली एंगेज इन डिवोशनल सर्विस बिकॉज दे नो मी एज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड ओरिजिनल एंड इनएग्जॉस्टेबल. तो ये दो श्लोक को मैं साथ में लूंगा ताकि आपको समझ में अच्छी तरह से आए. थोड़ा आज क्लास एक्स्ट्रा होगा, बट आई वुड लाइक टू कंप्लीट टुडे स्टॉक बोथ द श्लोक्स. उसके बाद नेक्स्ट श्लोका सत्यम क्रियंत कीर्तयंतो माम यतंत दृढ़वतः नमस्य माम भक्त्या नित्य तो उपासते. ऑलवेज चैंटिंग माई ग्लोरीज, एंडोरिंग विद ग्रेट डिटर्मिनेशन, बोइंग डाउन बिफोर मी, दीज ग्रेट सोल्स परपेचुअली वर्शिप मी विद डिवोशन. अब सिक्के का दो पहलू होता है. भगवान एक पहलू बताया जो उनको साकार स्वरूप में नहीं मानते हैं और धीरे धीरे क्या होते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, उनका ज्ञान भ्रम में आ जाता है, उनका कर्म भ्रम में आ जाता, सब कुछ. एक एक चीज भ्रम में आ गया तो सारा चीज एक लाइन में भ्रम में आ जाता है. मगर यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं? ओ सन ऑफ पार्थ, महात्मनास्तु माम पार्थ देवी प्रकृतिम आश्रितः, जो मेरा साकार स्वरूप में जो मेरा भक्ति करता है वो देवी प्रकृति, मतलब क्या है, भगवान के स्वयं अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ गॉड वन इज सिचुएटेड. एक बार अच्छे से समझ लेना, भगवान का प्रोटेक्शन में होना इसका मतलब क्या है? क्या भगवान स्वयं हमेशा आएंगे आपको मदद करने के लिए? आप अगर बीजा थ्रू हाँ, करा, दूसरे दूसरे के थ्रू कराता है। दूसरे के थ्रू क्यों? वो अब जैसे द्रौपदी को किसके थ्रू करवाया उसको?
और स्वयं भी नहीं है। निमित बनाते हैं, निमित बनाते हैं। वो निराकार स्वरूप में भी कर सकते हैं और साकार स्वरूप में भी कर सकते हैं। गजेंद्र के लिए साकार रूप में आए और द्रौपदी के लिए निराकार रूप में आए, बट किसी भी हालत में उसने तो याद भगवान को साकार स्वरूप में किया था ना, निराकार स्वरूप में नहीं। द्रौपदी ने भगवान को साकार रूप में बुलाया था, हे कृष्णा हे गोविंदा करके आवाज दिया था, हे लाइट कहाँ हो, ऐसा नहीं बोला उन्होंने। ऐसा थोड़ी बोला कि हाँ हे ज्योति कहाँ हो, ब्रह्म ज्योति कहाँ हो, आप मुझे बचाओ, उसने ये नहीं बोला। उसने ये बोला हे प्रभु हे भगवान हे गोविंद हे कृष्ण। तो गोविंद स्वयं नहीं आए पर कपड़े के स्वरूप में वहां प्रकट हो गए। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो भगवान की भक्ति करता है वो हमेशा भगवान के संरक्षण में रहता है, ही इज ऑलवेज प्रोटेक्टेड बाय गॉड। नाउ व्हाट इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोटेक्शन, कोई मुझे इसका जरा विस्तार में बता सके जल्दी से? प्रोटेक्शन किसे कहते हैं? प्रभु जी मैं बोलू रक्षा करना, बोलिए, अब पूछो मत, सब लोग बोल सकते हैं, यहाँ डेमोक्रेटिक ग्रुप है रक्षा हमारा। करना, हाँ, रक्षा करना। ट्रांसलेशन थोड़ी पूछा, मतलब पूछा, मतलब जरा इसका अंडरस्टैंडिंग। आपको हर परिस्थिति में रक्षा करेंगे, जैसे प्रभु जी इस ज्यादा होना होएगा तो थोड़ा कम होके रह जाता है, कहीं ना कहीं तो बोलते हैं ना भगवान ने ही बचाया। ठीक है, करेक्ट। अब एक एक ऑन 27th of December हैड अ वेरी ब्यूटिफुल कार एक्सीडेंट, ठीक है। माय हेडलाइट वाज गॉन, माय साइड एवरीथिंग, पत्रा वत्रा सब चेंज करना पड़ा, इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ। ओ ठीक बाप है, रे, तो हाँ बोल सकते हो कि भगवान ने सस्ते में किया, मगर मैं बोल सकता भगवान उतना भी तुम बचा सकते थे ना, उतना भी नुकसान क्यों करवाया? उतना भी बचाने वाला अधूरा क्यों बचा है, पूरा बचा है ना। आप तो प्रभु बताएं। जी इसमें सॉरी प्रभु जी, इसमें हम बोल सकते हैं कर्मों का इसमें आता है, मतलब कर्मों को क्या आता है, इतना जब आप बोल रहे हो हमारे कि प्रारब्ध। इतना भी क्यों किया कि भाई पत्रा भी चला, इतना भी क्यों किया, मतलब हम लोग को कर्म का फल भोगना होगा, इसीलिए उन्होंने हमको जितना भोगना था उतना भोगा है। तन्वी माता जी ने वही कहा ना कि हमको थोड़ा डिस्काउंट मिलेगा, हमको फिर टाइम में 100 कोड़े की जगह पे 10 कोड़े मिलेंगे, और 10 कोड़े तो खाने ही पड़ेंगे ना। तो हम तो ये जो सोच, लिखा है वो तो होना ही, अगर पांव टूटना लिखा है तो चोट लग के रह जाएगी, बस इतना होगा। नहीं कोई बड़ा आगे कुछ होने वाला था, उससे रोकने के लिए आपको उधर करवा दिया उसने। यू हैव टू सी सी यू नो, कोई व्यक्ति है ना जिसका प्लेन छूट जाता ना, वह बड़ा खुश है, भगवान 5 मिनट जल्दी करवा सकता था, मुझे ट्रैफिक जाम में अटका दिया, मेरा प्लेन छूट गया। मगर उसको थोड़ी देर बाद बच्चे पता चलता है कि वो प्लेन क्रैश हो गया, तो फिर क्या पता चलता है उसको, क्या लगता है, अरे भगवान थैंक यू वेरी मच, तूने प्लेन प्रभु क्रैश करा और मुझे बचा दिया, तो मैं वो ट्रेन प्लेन में रहता था और मेरी मेरे मैं भी क्रैश हो जाता, मैं भी मर जाता। सो प्लीज अंडरस्टैंड, दैट इज व्हाई लॉर्ड इज सेइंग दोस हु आर अनडिल्यूटेड, द ग्रेट सोल्स, कॉल्स देम ग्रेट सोल्स, महात्मा नास्तु माम पार्थ, महात्मा ना, महान आत्माएं हैं, हाँ महान आत्मा है, एंड वो महात्मा ना सु माम पार्थ। सो अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ डिवाइन वी फुल्ली एंगेज इन डिवोशनल सर्विस, एंड एक बार फुल्ली डिवोशनल सर्विस में एंगेज हो गए तो भगवान उनके साथ रस भाव लेते हैं। दूसरे, जब तक ऐसा कुछ होता नहीं ना, हम भगवान को भूलने लगते हैं। जब सब कुछ हमारे हिसाब से चलने लगता है ना, हम बराबर भगवान को भूलने लगते हैं। लोग भगवान को अक्सर डर के मारे याद करते हैं, प्रेम से याद नहीं। अरे यहाँ तक कि आप अगर देखोगे, गोपियों ने जितना अपना सर्वस्व भगवान को दे दिया, फिर भी क्या भगवान ने उनके साथ सही किया? भौतिक रूप से देखने जाओ तो सही नहीं किया, राइट? उनको ऐसे ही छोड़ के चले गए, रोते बिलखते छोड़ते हुए चले गए। कहते हैं कि आज भी ब्रज में कहीं भी पानी मीठा नहीं है, कि गोपियों का और नंद बाबा और यशोदा मैया की आंसुएं
इतनी बहने लगी कि जब उद्धव जी मिलने गए, उद्धव जी को भेजा था द्वारका से कृष्ण भगवान ने, तो उन्होंने देखा एक नदी बह रही है। तो देखा ये नदी कौन सी बह रही है, बोला आपको किसको मिलना है, बोला मुझे यशोदा मैया और नंद बाबा को मिलना है, बस ये नदी के किनारे किनारे चले जाओ मिल जाएंगे, उनके घर से नदी है। कहते हैं आज भी पानी ब्रज का खारा है क्योंकि उनकी आंखों में से इतने आंसू निकले थे विरह में। और कितने दूर थे मथुरा और वृंदावन में, कितना दूर, आज भी स्टेशन मथुरा ही है, वृंदावन स्टेशन नहीं है, अगर वृंदावन जाना है तो मथुरा में उतर के जाना है, आज भी 15 मिनट में पहुंच सकते हो मथुरा से वृंदावन। उस जमाने में एक बैलगाड़ी रख के या एक घोड़ा रख के भगवान नहीं जा सकते थे गोपियों को मिलने के लिए, कभी नहीं गए, एक बार ब्रज को छोड़ के गए वो कभी नहीं गए। ठीक है भाव अलग है कि नंदन नंदन कानन कभी जाता नहीं है ब्रज छोड़ के, ठीक है वो मैं उस बात पे यहाँ पे अब डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ। अब कहने का मतलब क्या है कि भगवान अगर तकलीफ देते हैं ताकि हम उसको बार बार याद रखें, हम उनको भगवान को याद कर सके। यस याद पिताजी सेड इज 100% राइट। यस बोलते हैं ना बड़ी मार पड़नी थी छोटी मार पड़ के सस्ते में हो गया, ठीक है जान बची चलो ठीक है बहुत अच्छी बात है, कुछ जान को कुछ नुकसान नहीं हुआ। बट अगेन यू डोंट अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ प्रोटेक्शन इज समटाइम्स, कभी कभी ना माँ भी है ना बच्चे को कभी कभी मार देती है पीट देती है, जब बच्चे को अति हो जाता बच्चे का सताना या उसका खेलना या जो भी हो, मतलब इट्स नॉटीनेस व्हेन इट गोज बियॉन्ड लिमिट्स, इवन द मदर तो चिपका देती है, क्या मम्मी को खुश लगता है खुशी लगता है मारने में, बट क्यों मारती है ताकि बच्चा सुधर जाए। तो जीवन में अगर हम कभी कभी कुछ मार खाते हैं ना तो ये नहीं बोलना चाहिए भगवान तुमने मेरी रक्षा की, भगवान आपको 24 घंटे ऐसा रक्षण कोई और बाहर से नहीं दे सकता क्योंकि भगवान स्वयं आपके भीतर बैठे हुए हैं और अंदर से आपको कंट्रोल कर, परमात्मा स्वरूप में भगवान अंदर है ही है ना सबके, सब प्राणियों के अंदर है, तो भगवान अंदर से देखे हुए हैं, इसके लिए आप किसी को भी झूठ बोल सकते हैं मगर अपने आप को कभी झूठ नहीं बोल सकते। आप बोल सकते प्रभु जी मैं तो रोज दिन का 10 माला करता हूँ, पर अंदर से आवाज आती है क्या है, हे झूठ मत बोल 2 माला के ऊपर करते नहीं हो और प्रभु जी को झूठ बोलते हो, क्या अंदर से वो आवाज आ रही है ना, वो परमात्मा की आवाज, वो आपकी आवाज नहीं है परमात्मा की आवाज। इट्स ऑलवेज 24 आवर्स वर्क ऑन कैमरा, सीसीटीवी कैमरा है भगवान, प्लीज अंडरस्टैंड, भगवान यही कहना चाहे यहाँ पे यही कहना चाहते हैं कि भाई मैं उनकी रक्षा करता हूँ, वो मेरी संरक्षण में है, और संरक्षण में होते हुए भी कभी कभी ठोकम पीटी करना पड़ेगा, जैसे गुरु करता है वैसा भगवान भी कभी कभी थोड़ा ठोकम पीटी करना पड़ता, क्या करें जब तक आप पूरी तरह से भक्ति में लीन ना हो जाए तो तब तक थोड़ा झटका देना पड़ता है, और वो झटका क्या करते हैं माया का थ्रू देते हैं। ट्रू इंसिडेंट बताता हूँ मैं आपको सच्ची घटना, आपने देखा होगा सोचा होगा सुना होगा वृंदावन में, आई डोंट नो कितने लोगों ने देखा है, हमारा इस्कॉन मंदिर को पहले आज भी अंग्रेजी मंदिर के हिसाब से फेमस है, अंग्रेज मंदिर, पहले जमाने में अगर ऑटो वालों को बोल दो ना कि इस्कॉन जाना है तो उसको पता है, आप उसको बोलेंगे अंग्रेज मंदिर को लेके जाएगा, तो आज भी अंग्रेज मंदिर के नाम से काफी लोग पुराने वृंदावन वाले सब अंग्रेज मंदिर के नाम से ही जानते, तो वहां पे एक अच्छे भक्त थे फॉरेनर थे फॉरेन से आए हुए थे, एंड यहाँ पे आके उन्होंने बहुत अच्छा भक्ति मतलब भगवान का डीटी का विग्रह का सेवा करते थे, यहाँ काफी साल यहाँ थे, बीच में अचानक उनके मन में लगा क्यों ना अपने देश जाऊं थोड़ा घूम के आऊं, और ना फॉरनर्स दे लाइक सर्फिंग यू नो आई डोंट नो हिंदी में क्या कहते हैं उसको, सर्फिंग, तो समुद्र में लहरों के ऊपर अपना बोट की तरह बैठ के उस पर घूमते हैं, आप लोगों ने टीवी में देखा होगा सर्फिंग जिसे कहते हैं, तो क्यों ना उधर जाके थोड़ा सर्फिंग करूं घूम के आऊं थोड़ा मजा करके आऊं, मतलब चेंज, घर में जाऊं अपने अपने देश में जाऊं अपने गांव वालों के पास जाऊं, तो गया एक दिन यहाँ से सब बोरिया बिस्तरा बांध के फॉरेन गया,
और वहां जाके उसको बहुत अपने पुराने खेल याद आ गया, सर्फिंग का। तो उसने अपना सर्फिंग बोट लिया, अपना सर्फिंग इज इट कॉल्ड सर्फिंग पैड राइट, नहीं व्हाट कभी इज इट, सर्फिंग बोर्ड। सर्फिंग बोर्ड, यस सर्फिंग बोर्ड, सर्फिंग बोर्ड लेके निकल गया समुद्र में। एंड एक आधा घंटा, सब सब 15 मिनट 20 मिनट उसने सर्फिंग किया रे, अचानक देखा उसने एक शार्क आ गया है। और हम इस्कॉन वालों के अंदर एक डिफॉल्ट सेटिंग है, जब भी कोई तकलीफ आ जाए ना, हम लोग नरसिंह को प्रणाम करने लगते, नमस्ते नरसिंह आय प्रहलाद अला दाइन, गाने लगा जोर जोर से गाने लगा। देखा उसने शार्क इधर उधर घूम रहा है, जितना भी नरसिंह प्रणाम नरसिंह स्तोत्र जो जो था, राम रक्षा स्तोत्र जितने भी थे सब गए उसने, फिर भी देख रहा है शार्क वहीं घूम रहा है, उसके राउंड राउंड घूम रहा है। एंड ही न्यू फॉर श्योर ही इज इन बिग डेंजर। काफी घूमने के बाद अचानक उसके मन में ख्याल आया कि शायद भगवान मुझसे नाराज है, मैंने उनको सेवा छोड़ के यहाँ आ गया ना। तुरंत उसने भगवान को प्रार्थना की, भगवान मैंने इंद्रिय तृप्ति या अपना माया में आकर मैं यहाँ खेलने आ गया, मुझे आप माफ करना, मुझे वापस आप माफ कर देना, मैं वापस आ चाहता हूँ आपका सेवा में, वापस आना चाहता हूँ मैं समझ गया कि मेरी गलती क्या है, मैं समझ गया आप मुझ पर कृपा कर। जैसे उसने बोला वो शार्क चला गया, नो जोक्स, इट्स अ ट्रू फैक्ट, इट्स अ ट्रू फैक्ट, सच्ची कहानी बता, वो शार्क वहां से चला गया। अगला दिन प्लेन पकड़ के वापस इंडिया आया, वापस वृंदावन गया, सीधा वृंदावन गया और वहां जाके सेवा पे जुट गया, भगवान के चरण पकड़ के तो रोया और वहीं पे सेवा स्टार्ट। तो अब यहाँ पे झटका क्यों दिया, देना भूल पड़ा, गया था। देना पड़ता है, अगर नहीं देंगे ना तो व्यक्ति भी अपना भक्तिमय से रास्ते से कभी कभी विचलित हो जाता है। शायद ये मेरे पे भी लागू है, सब पे लागू, या आप ही पे नहीं, मेरे पे भी लागू। सो वेन एवर गॉड डस दो ही इज ऑलवेज प्रोटेक्टिंग यू, कभी कभी झटका, छोटा छोटा झटका देते, मगर भक्त की मृत्यु अगर हो जाती है तो क्या ये वो सही है? ना? भक्त की मृत्यु अगर हो जाए तो वो सही है क्या? क्या हो गया? मृत्यु का नाम सुनते हैं सब लोग चुप बैठे। जी अगर भक्त की मृत्यु हो जाती है तो अगर वो एकदम शुद्ध भक्त है तो ही विल गो बैक टू गॉड हेड, और अगर उसका उनका डिवोशन कंप्लीट नहीं हुआ है। प्रोटेक्शन करने के लिए दिया हुआ है ना, भगवान ने गारंटी दिया है ना, मैं बताऊंगा, दे आर अंडर माय डिवाइन प्रोटेक्शन, ये श्लोक में तो भी ही कह विल बी रहे अंडर द डायरेक्ट प्रोटेक्शन देन, ही विल बी विद गॉड देन आफ्टर ही डाइज। अरे माता जी, वन हैज टू डाई देन ओनली कैन गो अप। नो वही तो प्रभु जी, वही तो मैं भी बोल रही हूँ। दी द थिंग इज व्हाई शुड बी कैटेगराइज वंस डेथ व्हेन ऑलरेडी वन पर्सन हैज गॉन अंडर द डिवाइन प्रोटेक्शन, she will decide everything, what is good and what is bad, right is right, what is right and what is wrong. We see so many devotees in ISKCON. Brahmachari is getting cancer and dying also. You don't have to worry. You don't have to say, नहीं नहीं भगवान अगर आप होते हो तो इसको क्यों नहीं बचाया, भगवान आप हो तो इसको क्यों नहीं बचाते। अरे भगवान है, भगवान को अपने आप को साबित करने की जरूरत नहीं है। एंड इवन इफ इट इज डेथ, देर इज नथिंग टू वरी, देर इज सम रीजन बिहाइंड इट। Lord might be saying, that's, oh, come on, it's time for you to come to me. So, आपको एक निमित्त बना के, कोई ना कोई निमित्त से आपको मार देंगे और अपने पास बुला लेंगे। एंड द लास्ट वर्स दैट इज इन वर्स नंबर 14, भगवान ये कहते हैं, वो भक्त का परिभाषा देते हैं कैसे भक्त रहता है। सततम कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढ़वतः नमस्तस्य सब माम भक्त्या नित्य युक्त उपासते। ये करना है, ऐसे भक्ति करने वाले व्यक्ति का ही भगवान साथ देते हैं, याद रख, वही भगवान का असली भक्त है। दैट इज व्हाट लॉर्ड इज ट्राइंग टू से इन दिस वर्स। व्हाट डज दिस मीन? ऑलवेज चैंटिंग माय ग्लोरीज,
एंड्योरिंग विद ग्रेट डिटर्मिनेशन. भगवान का नाम लेना आसान नहीं है. क्यों आसान नहीं है? सबसे आसान है, हरे कृष्णा बोलना है, सीताराम बोलना है, कुछ भी बोलना है, जो भी बोलना है, राधे राधे बोलना है, जो भी बोलना है, आसान तो है, मुश्किल क्या है? वॉट इज द डिफिकल्टी इन चैंटिंग द होली नेम? यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं, भक्त का परिभाषा भी दिया है, सततम कीर्तयन तो मां. सततम मतलब ऑलवेज, हमेशा मेरा ही कीर्तन करते रहते, यतन तस्य दृढ़वतः, और वो भी कैसे, दृढ़ता से. प्रभु जी आज क्या है ना, रात को लेट हो गया, सुबह लेट उठा, टाइम ही नहीं है, ऑफिस जाना है, व्हाट्सएप देखना है, इंस्टाग्राम देखना है, फेसबुक देखना है, इसके लिए आज मैंने माला नहीं लिया. कई लोगों के पास ऐसे बहुत सारे बहाने रहे, है ना, मन ही मन हंसते रहेंगे, हाँ प्रभु जी बराबर बोल रहे हैं, हमारा मन में यही हाल है. तो क्या फर्क, मतलब व्हाट इज द अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम दिस? वो भक्त नहीं है जो बहाना निकाल के भक्ति न, भक्त वो है जो बहाना, तकलीफ होने के बावजूद कोशिश तो करता है, ट्राई तो करेगा, चलो आज घर पे बहुत मेहमान आ गए, बहुत काम है, ठीक है, चार ना सही दो माला तो कर सके, कोशिश तो कर. नहीं, प्रभु जी आज पूरा दिन हो गया, अभी थोड़ा देर टीवी देखने का टाइम है. अरे टीवी का देखने का टाइम है तो उसमें तो कोई कटौती कर दे, भगवान के पूजा के टाइम में तो कटौती करना है क्या? थोड़ा व्हाट्सएप में कटौती कर, थोड़ा फेसबुक में कटौती कर, थोड़ा इंस्टाग्राम में कटौती कर, इन फालतू चीजों में थोड़ा कटौती करो. तो थोड़ा कहते हैं ना, अगर महीने का खर्चा काम पूरा करना है और थोड़े पैसे कम है तो कटौती एक ही चीज में करोगे क्या? सब चीज में करोगे कि नहीं? ओवरऑल कटौती होगी ना? नहीं, प्रभु पिक्चर में कटौती नहीं होगी, सिर्फ दाल भात में एक ही दाल भी बनाएंगे, भात नहीं बनाएंगे क्या? रोज खिचड़ी के खाएंगे, मगर पिक्चर जाएंगे, मॉल घूमने जाएंगे, उसमें कटौती नहीं करेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता. सब चीज में कटौती करनी पड़ती है. पैसे कम है, ठीक है, चलो ये पेट ये है, ये महीना कम बाहर जाएंगे, ये महीना कम बाहर से खाना खाएंगे, ये महीना कम क्या बोलते हैं, सस्ती वाली सब्जी खाएंगे, सब जगह पे कटौती करना पड़ता, एक ही चीज में कटौती नहीं होती. उसी तरह है, आपको अगर भक्ति करनी है ना, तो दृढ़ता, दृढ़ता मतलब उसमें ना समझौता ना करते हुए बाकी चीजों में समझौता करके, या उसमें से थोड़ा वक्त निकाल के भक्ति के लिए भी निकालना, ये दृढ़ होता है. इसके लिए कहते हैं भगवान, जो कहते हैं ऑलवेज चैंटिंग माई ग्लोरीज, एंड्योरिंग विद ग्रेट डिटर्मिनेशन. बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ होती है, आपका इंस्टाग्राम फेसबुक या आपका टीवी आपका मोबाइल जो भी है, ये सब छोड़ के भक्ति करना बहुत, इट इज वाकई इट इज वेरी चैलेंजिंग, करना करना पड़ेगा. वो तो ही आप भक्त की कैटेगरी में आओगे, तभी आपको वो भगवान की संरक्षण मिलेगी. सो ऑलवेज चैंटिंग, ऑलवेज, सभी टाइम. इसके लिए कई लोग बोलते हैं मुझे, प्रभु जी मैं माला में नहीं करती, मैं हमेशा भगवान का नाम बस मेरे मन में चालू ही रहता है, खाना बनाते वक्त, टहलते वक्त, टीवी सीरियल देखते वक्त, व्हाट्सएप करते वक्त, सब वक्त चलते रहते, क्या सही है कि गलत है? भगवान तो ये भी कह रहे हैं ना, चैंटिंग माई ग्लोरी इज ऑलवेज चैंटिंग, तो ये इसको चीज को कैसे समझेंगे? बोलिए बोलिए, फास्ट फास्ट, सॉरी, बोलिए. प्रभु जी ट्राई करूँ। बोलिए. चैंटिंग आपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी कहा, अभी रिसेंटली लास्ट वीक के लेक्चर में भी कहा था कि बीट्स पे का चैंटिंग करना इज मोर बेनिफिशियल, एंड जो ऐसा मन में करते हैं वो बेनिफिशियल यानी उतना नहीं है। लोग बोलते हैं ना कि गिन के माला क्यों करनी चाहिए, गिन के माला क्यों करनी चाहिए, भगवान का नाम में कोई गिन के करता है क्या? कोई गिन के कोई खाता है? पेट भरने तक खाता है, चाहे वो 10-15 रोटी खा ले, एक बोरी चावल ही खा ले, जब तक तो पेट नहीं भरता वो व्यक्ति का खाना बंद करता है क्या? जनरल है, मैं जनरल बात कर, तो क्यों भगवान का नाम गिन के लेना चाहिए? याद रखना,
हमारे अंदर भगवान के प्रति इतना प्रेम नहीं है, ना ही हमको भगवान का नाम लेने में इतनी रुचि है। जब तक वो स्टेज नहीं आता है, इसके लिए हम अपने आप को महात्मा ना तू माम पार्थ नहीं कर सकते हैं। महात्मा ना नहीं है, महात्मा ना नहीं है, क्यों? हम लोग जितना माला दिया है उसी को न करने का इतना बहाना बता सकते। कोई बोलेगा नहीं प्रभु जी, 2 हफ्ते से मेरा टाइम ही नहीं मिल रहा है, 2 हफ्ते से किसी प्रोजेक्ट में अटका हूँ, ये कर रहा हूँ, ठीक माना। ये नहीं बोल रहा कि वो सब काम नहीं करना है। अर्जुन भी युद्ध लड़ रहा था, उसमें तभी माला थोड़ी लेके बैठा था, नहीं सुबह आज अभी मैं माला करूंगा बाद में युद्ध में जाऊंगा, थोड़ी बोला, दिन रात युद्ध कर रहा था। और वो स्टेज, उस स्थिति तक पहुंचने के लिए हमको माला में ही भगवान का नाम लेना चाहिए। जब उस परिस्थिति आ जाएगी, जब हम 24 घंटा ले सकेंगे, तब माला की जरूरत ही नहीं है। कितने लोगों को पता है वृंदावन में हजारा माला बोलते हैं, सुना है कभी? ब्रज का हजारा माला सुना किसी ने? ऐसे ऐसे साधु संत हैं जो माला को हाथ में लेंगे, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, एक या दो मंत्र में पूरा माला खत्म कर देंगे। हम लोग एक एक दाने पे करते हैं ना, 10-15 दाने खींच लेंगे वो लोग। ऐसे ऐसे महान संत लोग बैठे हैं, पर वो लोग क्या बोलते हैं, वो गिनेंगे नहीं, वैसे दाना को खींचेंगे, क्यों? सोल को तुलसी को स्पर्श करना है, और माला ऐसे लेते जाएंगे वो लोग, करते जाएंगे, क्यों? उनका वो स्थिति पे पहुंच गया है, जब उस चीज में रुचि आने लगी। अभी हम जो कर रहे हैं ना, वो जबरदस्ती वाला काम क्या है, प्रभु जी ने बोला है यमदूतों से बचेंगे, ऊपर जाएंगे, वो क्या होरे मिलेंगी नूरे मिलेंगी, वो वाला चक्कर है ना, मोक्ष मिल जाएगा, झंझट नहीं खाना बनाने का, रोज रोज का काम वाम करने की जरूरत नहीं है, आराम से रहेंगे वहां पे, कुछ लालच से कर रहे हैं। पर जब आपका भगवान को प्रति प्रेम आ जाएगा ना, करते करते करते, तब वो स्थिति आएगी जब यू विल बी सततम कीर्तयन्तो मां। वो भी कैसे? यतन तस्य दृढ़वतः। दृढ़वता का एग्जाम्पल है गोपियां, जब रात को भगवान ने बुलाया, गोपियों ने बहाना नहीं बनाया, अरे अभी रात के टाइम पे कैसे आए, जैसे भगवान ने बोला निकल गए सब, रात को 12 बजे चले गए भगवान के पास। भगवान बोला अरे कहाँ आ गए भाई, आप लोग वापस जाओ घर पे। बोला नहीं, तुमने बुलाया हम आए। और फुल फुल शरद पूर्णिमा का रात को उस दिन बुलाए थे ना भगवान ने, वंशी बुला के बजा के बुलाए थे ना, तब ये सोचे नहीं थे उन्होंने, अरे घर वाले क्या बोलेंगे, माँ बाप क्या बोलेंगे, पति क्या बोलेगा, बच्चा क्या बोलेगा, सब अपना अपना काम वैसे ही छोड़ के भागे। क्यों? दे वर डिटरमाइंड इन सर्विंग द लॉर्ड, भगवान की सेवा करने के लिए वो तत्पर थे, और हमेशा झुका हुआ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ झुका हुआ? नमस्तस्य सम माम भक्त्या, नमस्ते करते हुए, मतलब झुका हुआ शरीर। ऐसा कभी भी हमको हमारे भक्ति पे घमंड नहीं आना चाहिए। मालूम है, पहले एक जमाने में मैं 2 और माला करता था, आप पूरा 20 माला करता हूँ, 24 माला करता हूँ, 25 माला करता हूँ, एकादशी करता हूँ, सुबह उठ के भगवान को सेवा करता हूँ, बढ़िया भोग लगाता हूँ, इस चीज का भी घमंड नहीं आना चाहिए। क्यों? हम जो कर रहे हैं ना, ये सबसे छोटा काम कर रहे हैं, इससे कम कर नहीं सकते, ये ज्यादा नहीं कर रहे, कम कर रहे। तो नमस्ते से माम भक्तिया, देन व्हाट विल हैपन, व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग, नित्य युक्त उपास थे, हमेशा मेरे बारे में सोचो, मेरे बारे में सोचते रहो, या मेरे बारे में चिंतन, मेरे चिंतन में ही रहो और मेरी सेवा, देन यू विल गेट द फर्स्ट। पहले श्लोक में कहा गया गया है कि आपको मेरा संरक्षण मिलेगा, यू विल बी अंडर माई डिवाइन प्रोटेक्शन। सो आई थिंक आई बीन एबल टू एक्सप्लेन टू यू ऑल दिस। आई लाइक टू क्लोज टूडेज क्लास। किसी का कोई प्रश्न कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। जय माता जी। यस।